आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। बच्चों, ये केमिकल रिएक्शन आपको बैलेंस करनी है। H2S plus HNO3 gives NO plus S plus H2O। तो यहाँ पे आप देखो, ये HNO3 में जो NO3 माइनस है वो कन्वर्ट हो रहा है NO में, और ये H2S में जो सल्फर है S माइनस 2 से ये कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में। तो अगर मैं यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखता हूँ तो माइनस 2 से 0 कितने का चेंज आया बच्चों, 2 का। तो यहाँ N फैक्टर हो गया 2, और यहाँ आप देखोगे तो प्लस 5 से प्लस 2 का चेंज आ रहा है, तो यहाँ N फैक्टर हो जाएगा कितना, 3। तो अब आपको इस N फैक्टर को इक्वल करना है, तो इस रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और इस रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो ये बन जाएगा 2NO3 माइनस, ये बन गया 2NO, और इसको जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3S माइनस 2, ये बन चुका है 3S। तो आपने क्या लिखा, 3S माइनस 2 प्लस 2NO3 माइनस विल गिव यू 2NO प्लस 2, सॉरी 2NO प्लस 3S। अब आप देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है 3 2 6, यहाँ है 2, तो आप यहाँ लिखोगे 4H2O, और जैसे ही आपने 4H2 लिखा तो यहाँ हाइड्रोजन हो गया आपके पास 8, तो आप यहाँ लिखोगे 8H+। अब 8H+ में 2H+ तो इसके पास चले जाएंगे माइनस 2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और 6H+ इस माइनस 6 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए चले जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास 3H2S प्लस 2HNO3 विल गिव यू 2NO प्लस 3 सल्फर प्लस 4H2। ये हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है? क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।